नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। जनवरी के अंतिम सप्ताह तक विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम बिहार के 18 जिलों में शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारी भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने कर ली है। राज्य में विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त का काम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में 20 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया गया था। इन जिलों में सर्वे का काम मंजिल के करीब पहुंचते ही सरकार ने बचे हुए 18 जिले जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज और नवादा में भी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। जनवरी से ही विशेष सर्वे और बंदोबस्त का दूसरा चरण शुरू करने के लिए 18 जिलों के डीएम को कहा गया है कि जिले में बंदोबस्त कार्यालय स्वतंत्र रूप से 4 कमरे और 1 हॉल वाला बंदोबस्त कार्यालय बना लिया जाए। बंदोबस्त कार्यालय को राजस्व संबंधी आंकड़ों को एकत्रित करने का काम भी दे दिया गया है। अंचल में कुल राजस्व ग्रामों की संख्या, कितने गांव का खतियान उपलब्ध है, कितने गांव का खतियान उपलब्ध नहीं है, इस बात की पूरी जानकारी देनी होगी। कार्यालय के लिए सामानों की खरीद का काम भी विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्यालय के लिए कुर्सी, टेबल, अलमारी आदि की खरीद के लिए मूल निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए 8,000 रूपए कीमत की टेबल और 5,000 रूपए में कुर्सी खरीदी जाएगी। कार्यालय के लिए टेबल 4,000 और कुर्सी 3,000 रूपए तक की होगी। कार्यालय में लगाए जाने वाले एक पंखे की कीमत 3,000 रूपए निर्धारित की गई है। 50,000 की 2 अलमारी और 3,000 रूपए की 5 प्लास्टिक की कुर्सी की खरीद होगी। इसको लेकर निदेशक जय सिंह ने संबंधित जिलों के डीएम सह बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी अपने अपने जिले में सर्वे के पहले होने वाले कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है। साथ ही शिविर आदि को लेकर तैयारी रखने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिन क्षेत्रों में कार्य किया जाना है उनके चयन के लिए अंचल एवं गठित होने वाले शिविरों का निर्धारण भू अभिलेख और निदेशालय के नोडल पदाधिकारी की सलाह पर जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके बाद अब उम्मीद यही है कि जल्द ही बिहार के ऊपर दिए गए जिलों में यानी कि कुल मिलाकर के 18 जिलों में जमीन का सर्वे का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिससे इन जिलों के लोगों को भी आने वाले समय में काफी आसानी होगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।